एसटीईटी की परीक्षा पास की थी। गारंटी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, कमिश्नर ने, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जो कमिटमेंट दिया था, पुराने लोग बहाल हुए उनकी चिंता कौन करेगा। ईडी कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बना। सीबीआई का भी स्थापना तो स्वयं कांग्रेस के लोगों ने ही किया। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया, तो कुआं खोदे और उसी में गिर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव, मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और शिक्षक नियमावली 2023 लाया गया, जिसका विरोध आज सड़कों पर देखा गया। लेकिन वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि नए शिक्षक नियमावली को मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन एनडीए के सरकार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्णय लिए थे, 2.5 लाख शिक्षकों को जॉब देने की, नौकरी देने की बातें कही थी, उससे पूरा करने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि आने वाले समय में इस नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली हो, लेकिन जो पहले 80,000 शिक्षक हैं उनको पहले बहाली करने की आवश्यकता है। और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पहले आप सुनिए। नियमावली का मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ, आगे के दिनों में बहाली हो इस तरह की प्रक्रिया से, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। ये एनडीए सरकार का कमिटमेंट था, तो ये पूरा होना चाहिए। लेकिन 80,402 जो शिक्षक जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा पास की थी, जिसको की गारंटी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, कमिश्नर ने और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जो कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट का क्या होगा। जो पुराने लोग बहाल हुए उनकी चिंता कौन करेगा। आप यदि नियमावली बनाकर सिर्फ बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं तो ये ठीक नहीं है। जाना ही चाहिए, हम तो नीतीश जी को खोज रहे हैं कि दिल्ली में जाएं, बम्बई जाएं, क्योंकि वहां पहले से कब वो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ ममता दीदी जी बैठी हुई हैं। तेलंगाना जाएंगे तो केसीआर बैठे हुए हैं। चेन्नई जाएंगे, वहाँ आपको स्टेलिन बैठे हुए हैं। तो इनका स्वागत यदि वहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करेंगे तब तो आगे की बात होगी। ये अपना सपना देखने से तो काम चलेगा नहीं। पिछले बार सपना इन्होंने देखा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार इनको 0 पे आउट होना है। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी को याद दिलाना सिर्फ चाहता हूं कि ईडी हमने नहीं बनाया, ईडी कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं बनाया। ईडी तो स्वयं श्रीमती गांधी के राज में ही बना और कार्रवाई तो उसी समय से शुरू हुई। और सीबीआई का भी स्थापना तो स्वयं कांग्रेस के लोगों ने ही किया है। और कोई नई व्यवस्था यदि नरेंद्र मोदी जी ने किया हो तो ये बताएं, लेकिन श्रीमती गांधी को ये बताना चाहिए, उनके बेटा के द्वारा ही लालू प्रसाद जी की सदस्यता समाप्त हुई, तब तो बड़ा अच्छा था। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया, तब तो इस देश में किसी लोगों ने विरोध नहीं किया, कहा लोगों ने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो रही है। आज यदि खुद कुआं खोदे और उसी में गिर गए तो इसकी चिंता तो उनको स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नई शिक्षक नियमावली को विरोध तो नहीं जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो पुराने वादे किए थे उस वादे को पूरा करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी जो है कांग्रेस के सरकार में बनाया गया है, ना कि बीजेपी के सरकार में बनाया गया है। आज राहुल गांधी पर ईडी जांच कर रही है तो उन्हें कष्ट हो रहा है और बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईडी जो है कांग्रेस के सरकार ने ही बनाई थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं, विपक्षी एकता को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि दिल्ली जाएं, लेकिन पहले वो देख लें, वहाँ पहले से ही प्रधानमंत्री के लाइन में कई सारे नेता हैं। दिल्ली में केजरीवाल हैं, वहीं ममता बनर्जी को भी नाम लिया,
केसीआर का नाम लिया, स्टालिन का भी बताया कि वहाँ पे पहले से कई लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएं और प्रधानमंत्री के लाइन में लग जाएं, तब जा कर के जो है उन्हें विपक्षी एकता की बातें करनी चाहिए। लेकिन जो स्पष्ट कर दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की शिक्षक की जो नई नियमावली है उस पर लागू तो हुआ है, लेकिन जो पहले वादे किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन वादों को पहले पूरा करने की ज़रूरत है। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।